सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सादर नमन। भोमाराम गोदारा पड़ासला, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी मंडल बापिनी। आरसी अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत के लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने पर पीसीसी सदस्य एवं कांग्रेस के नेता महेश व्यास ने कार्यकर्ताओं के साथ फरोदी स्थित होटल फोर्ट्यू समक्ष आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत की लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी में कांग्रेस नेता व पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फरोदी लौटते ही होटल फोर्ट्यू समक्ष आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की गई। कांग्रेस नेता महेश व्यास ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनसाधारण का समर्थन व सहयोग मिलने की खुशी के साथ ही गहलोत के दूसरी बार आरसी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर दोहरी खुशी का आज फलोदी विधानसभा क्षेत्र की टीम महेश व्यास द्वारा मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की। निर्विरोध निर्वाचन होने पर आरसीए के सबको फलोदी वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय फलोदी, जिंदाबाद। कालीबाई बिल राज्य स्तरीय मेगावी छात्रा स्कूटी पुरस्कार फलोदी की मनीषा जयपाल ने जीता। राज्य स्तरीय पुरस्कार स्कूटी जोधपुर स्थित बूथ मोटर सेवा केंद्र में दिया गया। फलोदी कस्बे के राजकीय जयनारायण मोहनलाल पुरोहित पीजी महाविद्यालय की छात्रा मनीषा जयपाल पुत्री गोवर्धन जयपाल को कालीबाई बिल मेगावी छात्र स्कूटी योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार स्कूटी जोधपुर स्थित बूथ मोटर सेवा केंद्र में दिया गया। वितरण कार्यक्रम में इसी प्रकार राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना EWS प्रतिभावान छात्रा होने के कारण सूरभि छंगाणी, पुत्री कमल किशोर छंगाणी, भूमिका थानवी, मंजू परिहार, माधुरी व्यास, सूरभि जैन, राधिका बोहरा, डिंपल रंगा, रौनक को राज्य सरकार की महती फ्लैगशिप योजना के तहत बूथ मोटर सेवा केंद्र में कुल 102 स्कूटी वितरित की गई। वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण जोधपुर स्पेशल कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग होने व कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम बार फलोदी आने पर दिनेश कुमार रंगा का फलोदी में भव्य स्वागत। दिनेश कुमार रंगा को वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अपीलीय प्राधिकरण जोधपुर स्पेशल कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग होने और कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम बार फलोदी आने पर कृषि मंडी व्यापार संघ, साल्ट सिटी एसोसिएशन, सीए ग्रुप व राजस्थान राजपूत हॉस्टल में राजपूत समाज प्रबुद्ध जनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में कृषि मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष जय प्रकाश पुरोहित, साल्ट सिटी एसोसिएशन के राजेंद्र व्यास एवं सीए ग्रुप के उमेश व्यास के साथ राजपूत समाज के सावन सिंह बारू की अगुवानी में रंगा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रंगा ने अपने संबोधन में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि यह पद स्टेट GST विभाग की न्यायिक पोस्ट है, जिसमें जोधपुर संभाग के समस्त 6 जिले जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर एवं सिरोही क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध डीलर्स द्वारा दायर अपील्स को विधिवत सुनकर न्यायिक निर्णय पारित करने होते हैं। उन्होंने GST संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी के लिए हमेशा सहयोग रखने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में राजपूत समाज के सावल सिंह बारू, जयप्रकाश पुरोहित, राजेंद्र व्यास, बालकृष्ण पालीवाल, गोपी किशन भट्टड़, विजय शर्मा, चैनसुख कंटा, उमेश व्यास, सचिन पुरोहित, सुनील गज्जा, कमल थानवी, मियां रमजान, मोतीलाल, भोमराज बोहरा, गिरिराज बोहरा, राजू व्यास, शिवा पुरोहित, विकास बोहरा, हेमंत व्यास, जितेंद्र सिंह खेतुसर, कैलाश गज्जा सहित कई व्यापारी व उद्योगपति शामिल रहे।